वीडियो गेम्स तो आप सभी ने खेले होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री आज 16,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। इतना ही नहीं, आज दुनिया भर में वीडियो गेम्स यूज़र की तादाद 247 करोड़ से भी ज़्यादा है। और क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम कौन सा था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1940 में एडवर्ड यू ने दुनिया का सबसे पहला गेमिंग कंप्यूटर वेस्टिंग हाउस कंपनी के लिए बनाया था और कंप्यूटर को एडवर्ड ने वर्ल्ड्स फेयर में दिखाया और इसमें मौजूद निम्न ट्रेडिशनल गेम को फेयर में मौजूद 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने खेला और काफी पसंद भी किया। और फिर इसके कुछ साल बाद 1951 में क्लॉड शेनॉन और इंग्लिश मैन एलन ने मिलकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर चेस गेम बना लिया। और साल 1962 आते-आते MIT रिसर्च सेंटर ने स्पेस वॉर गेम को बनाया, लेकिन उस समय कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत ही ज्यादा महंगे थे तो इस गेम को मार्केट में कभी भी कमर्शियली लॉन्च नहीं किया गया। और फिर आया साल 1967, जब रॉबर्ट बेयर, जिन्हें फादर ऑफ वीडियो गेम भी कहा जाता है, इन्हें बस स्टॉप पर आइडिया आया क्यों ना वीडियो गेम्स को टेलीविजन से कनेक्ट किया जाए। और अपने इस आइडिया को रल्फ ने 1967 में पूरा किया जब उन्होंने दुनिया का सबसे पहला गेमिंग कंसोल ब्राउन बॉक्स को बनाया और साथ ही में इसे पेटेंट भी करवा लिया। और इसके ठीक 4 साल बाद मैग्नावेक्स ने दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम सिस्टम ऑडिसे को मार्केट में कमर्शियली लॉन्च किया। इसमें 12 गेम थे और इसे टेलीविजन से आसानी से कनेक्ट भी कर सकते थे। फिर आया साल 1972, ये वो साल था जब नोलैन बुशेल और अल अल्कॉन ने अतारी कंपनी के लिए पोंग को डेवलप किया और 1977 आते आते अतारी ने वीडियो गेम सिस्टम को लॉन्च किया जिसे अतारी 2600 नाम से भी जाना जाता है। इसमें अतारी कंपनी ने सबसे पहला जॉयस्टिक ऐड किया और इस गेमिंग कंसोल में यूजर गेम सेलेक्ट कर सकता था और गेम के लेवल की डिफिकल्टी को चेंज भी कर सकते थे। और इस गेम कंसोल के फीचर की वजह से इसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। साल 1980, जब जापानीज कंपनी नैमको के एक डेवलपर तोरू लवातनी को पिज्जा की मिसिंग स्लाइस से इंस्पिरेशन मिली और इन्होंने पैकमैन गेम को बनाया और सिर्फ 15 महीनों में पैकमैन गेम की 1,00,000 से भी ज्यादा कॉपीज मार्केट में बिक गई, जिसे नैमको कंपनी को उस समय 100 करोड़ का फायदा हुआ, जिसे अतारी 2600 गेम कंसोल में बेस्ट अरकार्ड गेम लिस्ट में फीचर किया गया। और इसके एक साल बाद 1981 में शिफेरो मिमोटो ने निंटेंडो कंपनी के लिए डोंकी कॉन्ग गेम बनाया जिसका गेम कैरेक्टर जंपमैन के नाम से भी जाना जाता है। और इस गेम के निंटेंडो कंपनी ने एडिशन वर्जन को बाद में मार्केट में लॉन्च किया जिसे आज हम मारियो ब्रोस गेम से भी जानते हैं। फिर साल 1984 में रशियन मैथमेटिशियन अलेक्से पाजिवनोव ने टेट्रिस गेम बनाया जो काफी फेमस हुआ, जिसे आज भी खेला जाता है। 1989, ये वो साल था जब निंटेंडो कंपनी ने पोर्टेबल गेम कंसोल गेम बॉय को लॉन्च किया जिसमें टेट्रिस गेम को ऐड किया गया और गेम बॉय उस समय इतना फेमस था कि हर किसी के पास आपको गेम बॉय जरूर देखने को मिल जाता था, जिसकी दुनिया भर में 40 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिकने के बावजूद इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ते ही जा रही थी। और इसी साल सोनी कंपनी ने सेगा जेनेसिस गेम कंसोल को भी लॉन्च किया जिसमें 40 से भी ज्यादा गेम मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम कैरेक्टर हेजॉग था जिसे आज भी बहुत ज्यादा खेला जाता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 1990 में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 3 में क्लासिक कार्ड गेम सॉलिटेयर को ऐड किया जो खेलने में काफी आसान था और लोग ज्यादातर टाइम कंप्यूटर में इस गेम को खेलने में निकाल देते थे जिसके 30,00,000 से भी ज्यादा यूजर थे। फिर इसके 3 साल बाद 1993 में मोर्टल कॉम्बट गेम लॉन्च हुआ। इसी साल फर्स्ट पर्सन शूट गेम डूम को भी लॉन्च किया गया और ये दोनों गेम मार्केट में काफी फेमस भी हुए, लेकिन क्योंकि इन गेमों में काफी वायलेंस था इस वजह से ज्यादातर पेरेंट्स ने गवर्नमेंट को इन गेमों की रिपोर्ट की, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर बोर्ड ने वीडियो गेम कंपनी को गेम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने को कहा, फर्स्ट 18+ गेम और सेकेंड चाइल्ड गेम्स। सेगा और निंटेंडो कंपनी के बीच में गेमिंग कंसोल वार चल रहा था तो इसमें निंटेंडो की मदद के लिए सोनी कंपनी ने प्लेस्टेशन गेमिंग कंसोल बनाया, लेकिन निंटेंडो कंपनी ने सोनी कंपनी को ये कहकर मना कर दिया कि उनके गेम मार्केट में काफी पॉपुलर हैं और हम अपना खुद का गेम कंसोल बनाएंगे। और इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सोनी कंपनी ने 1995 में अपना पहला गेम कंसोल प्लेस्टेशन 1 मार्केट में लॉन्च किया और उस समय रेसिडेंट इविल गेम प्ले स्टोर पर काफी पॉपुलर हुआ। जरा सोचिए, अगर निंटेंडो कंपनी ने सोनी कंपनी को मना नहीं किया होता तो आज हमें सोनी कंपनी की गेमिंग कंसोल सीरीज प्लेस्टेशन देखने को नहीं मिलती। और इसके एक साल बाद निंटेंडो कंपनी ने अपने गेमिंग कंसोल को मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया। और 6 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स के साथ गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर किया। एक्सबॉक्स पर सबसे पॉपुलर गेम हेलो कॉम्बैट इवॉल्व गेम था
और 2003 में वीडियो गेम्स को वॉल्फ ने स्टीम प्लेटफॉर्म पर गेमर्स के लिए पीसी पर अवेलेबल कर दिया, जिसकी वजह से अब वीडियो गेम बिना गेमिंग कंसोल के कंप्यूटर पर भी खेल सकते थे। और आज सिर्फ पीसी गेमिंग की वजह से गेम कंपनी को 300 करोड़ से भी ज्यादा का हर साल फायदा होता है। और फिर कई सालों तक एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन ने गेमिंग इंडस्ट्री को अपने कंसोल वर्जन और गेम्स के जरिए से बेहतर बनाया। फिर 2008 में स्टीव जॉब्स ने ऐप स्टोर में गेम को ऐड किया, जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री में एक नया मोड़ आया और गेमिंग का तरीका का ही बदल गया। उस समय ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम एंग्री बर्ड और फार्म विले था, जिसके डाउनलोड कहीं मिलियन में थे। 2016 आते आते गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल पोकेमोन गो, जो कि एक वर्चुअल कैरेक्टर गेम है, काफी फेमस हो गया। अभी हाल ही में फेसबुक कंपनी ऑकुलस वीआर पर काम कर रहा है, जो कुछ ही सालों में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री में रिवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे और गेम खेलने का अंदाज ही बदल जाएगा। ये तो हुई गेमिंग कंसोल और वीडियो गेम इन्वेंशन की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं लेट 90s और अर्ली 2000 में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला वीडियो गेम कौन सा है? दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैकमैन, टेट्रिस, सोनिक और मारियो ब्रस वीडियो गेम खेला जाता था, जिसको आज भी काफी खेला जाता है, और ये वीडियो गेम सभी के ऑल टाइम फेवरेट हैं। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री में बदलाव तब आया जब सैन एंड्रियास, GTA और गॉड ऑफ वार जैसे गेम मार्केट में आए, और गेम एडिक्शन को और भी बढ़ावा तब मिला जब गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर टेंपल रन, सबवे सर्फर, लूडो किंग, 8 Ball Pool, माइनक्राफ्ट जैसे गेम अवेलेबल हुए। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा गेम एडिक्शन और गेमर पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और फोर्टनाइट के हैं, लेकिन बावजूद इसके सबसे ज्यादा डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पर सबवे सर्फर के हैं, जिसके 1 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हैं। और गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला गेम फ्रूट निंजा, मिनियन रश, हिल क्लाइम रेसिंग, क्लैश ऑफ क्लैन, माई टॉकिंग टॉम और कैंडी क्रश जैसे गेम है। ये तो हुई गेम्स की बात, क्या आप जानते हैं नंबर वन गेमर कौन है? नंबर वन गेमर है साहिल अरोरा। इन्होंने यूनिवर्स गेमिंग कॉम्पिटिशन में 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला गेम लीग ऑफ लेजेंड है, जिसकी स्ट्रीमिंग तकरीबन 12 करोड़ घंटों से भी ज्यादा हुई है। इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस गेमर है डायनामिक गेमिंग, जिनके यूट्यूबर हैं आदि सावंत। इनके यूट्यूब चैनल पर 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और 1000 से भी ज्यादा गेमिंग की वीडियो अवेलेबल हैं, और इनकी मंथली इनकम 4 लाख से भी ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 15 लाख से भी ज्यादा गेम अवेलेबल हैं, जिनके एक्टिव यूजर की तादाद 220 करोड़ से भी ज्यादा है। गूगल प्ले स्टोर पर नंबर वन गेम पब्लिशर टेंसेंट गेम कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 1850 करोड़ से भी ज्यादा है, और टेंसेंट अपना ज्यादातर रेवेन्यू पबजी मोबाइल गेम और टूर्नामेंट से कमाता है। ये तो हुई गेम्स, पब्लिशर और गेमर्स की बात, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी गेम कंपनी सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, रॉकस्टार, कैपकॉम, नैमकॉम, गेमलॉफ्ट नहीं बल्कि निंटेंडो कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 8500 करोड़ से भी ज्यादा है, जो जानी जाती है मारियो ब्रोस गेम की वजह से। दुनिया भर में एक्सपर्ट लेवल 2322 गेम डेवलपर हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव गेम डेस्टिनी गेम है, जिसको बनाने में तकरीबन 50 करोड़ की लागत आई थी। जरा सोचिए, अगर रल्फ पियर ने गेम का इन्वेंशन नहीं किया होता तो क्या आज हम गेमिंग में इतने एडवांस हो पाते? हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई वीडियो गेम जरूर खेला है, और हर किसी को अलग अलग वीडियो गेम पसंद है। आपको कौन सा वीडियो गेम सबसे ज्यादा पसंद है, हमें अपनी राय कमेंट में बताएं, और आपका फेवरेट वीडियो गेम कौन सा है ये बताना मत भूलिए।